नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल यूपीएस सलार एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी मज़ेदार बात है और जरूर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल आदेश बहुत आते हैं फटाफट, उसी सिलसिले में एक और आदेश आया हुआ है। देखते हैं कहाँ का है और ये क्यों आदेश आया है, सिंपल सी बात है और समझने की कोशिश करते हैं और गलती है या नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। थोड़े बहुत तो अपना भी व्यू होना चाहिए इंसान का, जैसे मैं अपने व्यू देता हूँ, डर डर के ही सही पर व्यूज़ देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षकों को मोहल्ला क्लास लेते समय मास्क लगाने के संबंध में आदेश जारी। जैसा कि सारी दुनिया को मालूम है कि भैया कोविड चल रहा है, मास्क ज़रूरी है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मास्क ज़रूरी है, गज दूरी भी ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये आदेश कहाँ का है, खंड शिक्षा अधिकारी केसरगंज बहराइच का है। टीचर्स के नाम है, 10 कल का ही आदेश है, बड़ा वायरल हो रहा है, घूम रहा है गली गली। तो मैंने सोचा लो इस पर थोड़ा वीडियो बना ही डालते हैं हम लोग, गली गली घूम रहा है जो। अमन पटेल, लोकेश कुमार, शेर सिंह पालीवाल और विजय कुमार, ये सब सहायक अध्यापक हैं, टीचर हैं सब। ठीक है, दिनांक 10/8 को आप द्वारा ऑनलाइन शिक्षक ग्रुप में प्रेषित फोटो, मोहल्ला कक्षा में आप द्वारा कक्षा लेते समय मास्क नहीं लगाया गया, जो कि वैश्विक महामारी COVID-19 के नियमों का उल्लंघन है। अगतः 3 दिन के अंदर इसका स्पष्टीकरण अधोस्थित करें, कार्यालय प्रेषित करें। भाई साहब, बड़ चीज़ का स्पष्टीकरण देना, मैं तो समझ से बाहर। पहले भाई लेटर जारी क्यों किएगा भाई? मैं मानता हूँ कि मास्क लगाना चाहिए, बिल्कुल टीचरों की गलती, पर इसका भी स्पष्टीकरण दो कि मास्क क्यों नहीं लगाया भाई। मतलब क्या डर, इससे तो आदमी डरेगा ही ना, शिक्षक डरेगा क्या? लो यार, मास्क भी नहीं लगाया, फ़ोटो भी डाल दिए और ये सब, अब दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से कभी कभी मास्क नहीं लगाता इंसान, या फिर हो सकता है जेब में रखा हो। कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है कि जेब में रखा होता है और हम नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो मास्क तो ठीक है, अभी केसेस भी उतने नहीं आ रहे हैं, स्कूल खोलने की भी बात भी चल रही है, और अभी कोई मास्क लगाना चाहिए, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत है, लेकिन इतना भी बड़ा कांड नहीं हो गया कि लो स्पष्टीकरण दे दो 3 दिन के अंदर। भाई मोहल्ला क्लास के बारे में सबको पता है कि मोहल्ला क्लास चल रही है, कैसी चल रही है, कोविड का पालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें सबको मालूम है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर शिक्षक ने मास्क नहीं लगाया है इन 4 लोगों का, तो नोटिस जारी हो गया भैया मास्क लगाओ, और फोटो भी डालना ज़रूरी है। तो मतलब अभी ये तो ऐसे ही कहा जा सकता है कि चलो, लेकिन ये नोटिस जारी करो, स्पष्टीकरण, मतलब हर चीज़ का स्पष्टीकरण चाहिए। और वैसे भी मोहल्ला क्लास हर जगह चल भी नहीं रही है, हर ब्लॉक में, हर जनपद में भी नहीं चल रही है, तो स्पष्टीकरण, हर बात का स्पष्टीकरण है। ये टीचर तो बेचारे कोस रहेंगे खुद को कि यार हम गईबे गाहे किए मोहल्ला क्लास लेने। तो यही है कि ये स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं थी, एक बार आदेश निकाल देते कि सब लोग कोविड लाइन का पालन करें, वरना स्वतः जिम्मेदारों का बात खत्म हो जाती। लेकिन अभी क्या है, आदेश आया वो, चलिए मेरा काम नहीं है, फिर भी कोविड है, आप शिक्षकों को मास्क लगाना चाहिए और मास्क सबको लगाना चाहिए, बच्चों को भी हो सके जितना लगाओ। लेकिन अभी क्या है, कोरोना का हाल बहुत सही है, हमको लग रहा है पूरे राज्य में, हमको लग रहा है 10-20 केस आते होंगे मुश्किल ही, वो भी नहीं आते हैं, बिल्कुल हालत कंट्रोल में है, स्कूल खुलने की तैयारी हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए।